Don't forget to like, share and subscribe Adda247 channel. Also download Adda247 app. Don't forget to like, share and subscribe Adda247 channel. Also download Adda247 app. नमो नमः मित्राणी, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। शाम के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है हमारा संस्कृत की कक्षा का। कैसे हैं आप सब लोग? मैं देख रहा हूँ जो लोग जुड़ गए हैं कृपया बताएं कि कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले समय में आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापक बनने का जो आपका सपना है उसके लिए आप लगे हुए हैं और निश्चित ही आप आने वाले समय में अध्यापक बन जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है और मैं ऐसा आप लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तो आप एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हैं कि शिवम, मुकेश यादव जी, रेखा सांगवान जी, रीना कुमारी जी, आनिष्ता चौहान जी, 50 कविता मिश्रा जी और अभिमन्यु जी, अमृत कुमारी मीना जी, अंजू कुमारी जी। जो लोग जुड़ गए हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, थोड़ा सा लोगों तक हम लोगों की पहुंच हो जाए। आप अपने ग्रुप्स में, कल हम लोग कक्षा नहीं ले पाए हैं, कुछ विशेष कारणों से आपकी कक्षा नहीं हो पाई है, तो आज हम उपस्थित हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, कालिदास कृत मेघदूतम्। मेघदूतम् पर DSSSB की दृष्टि से हम एक कक्षा कर चुके हैं। आज जो है वो UGC की दृष्टि से कक्षा है और निश्चित ही जो आप लोग DSSSB की UP TET PGT की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए भी ये सहायक होगी। मैं ये मेरा मेल आईडी है, आपको कोई परेशानी होती है, आप कोई विषय पूछना चाहते हैं या आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या? हाँ आ रही है, ठीक है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके बीच में मेघदूत से प्रश्न लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ मैं, तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, मेघदूतम् की व्याख्या है। इसका उत्तर आप शीघ्रता से दीजिएगा। मेघदूतम् की व्याख्या इनमें से क्या है? मेघः एव दूतः, मेघदूतम् अधिकृत्य कृतं काव्यं मेघदूतम्, मेघः दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम्। या इनमें से केवल ए ठीक है या बी ठीक है, क्या है इसका उत्तर? आप लोग जल्दी से मुझे बता देंगे। संदीप कुमार जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। वन बी कह रहे हैं अभिमन्यु जी, मेघः दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम्। 50 मिश्रा जी कह रहे हैं कि डी ठीक है, मतलब दोनों ठीक हैं। माधव शर्मा जी, नीतिका जी बी कह रहे हैं, संदीप कुमार जी बी कह रहे हैं और दोनों ही जो वाक्य हैं वो ठीक बनते हैं बिल्कुल। मेघः एव दूतः, तो मेघदूतम् अधिकृत्य कृतं काव्यं मेघदूतम्, ये भी ठीक बनेगा। मेघः दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम्, दोनों ठीक है। पंक्तियाँ एक ही पंक्ति है, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा हुआ है, वही बात है। सुजाता चौहान जी कह रही हैं कि डी है, दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है जी आपका उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपके सामने, मेघदूतस्य कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य को अर्थः। समय आरंभ हो गया है, घड़ी जी हमारी जो है वो अब चली हैं, तो शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा आप लोग। कालक्षेपम ककुर सुरभौ पर्वते पर्वते ते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य को अर्थ यूपीपीएससी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ककुभ, ककुभ किसके लिए प्रयोग हुआ है? कदम्ब पुष्प के लिए, शिलींध्र पुष्प या कुटुज पुष्प या जपा कुसुम। और उत्तर दे रहे हैं अभिमन्यु जी सी कुटज पुष्पम। और कविता जी भी सी कह रही हैं, अनिष्ता चौहान जी सी कह रही हैं, संदीप कुमार जी, रेखा सांगवान जी। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। और मैंने इसका लिख दिया है संजीवनी, जो मल्लिनाथ जी की टीका है इस पर। ते तव ककुभहि कुटुज कुसुमहि सुरभौ सुगंधिनी। तो यहाँ जो है ककुभहि कुटुज कुटज कुसुमहि ककुभः कुटजय अर्जुने इति शब्दार्णवे। तो वहाँ जो है पंक्ति दे करके लिख रहे हैं मल्लिनाथ जी, कुटज पुष्प के लिए जो है वो ककुभ का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें शब्दार्थ को पूछ लेते हैं। जो आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो शब्दार्थ को बहुत अधिक पूछा जाता है, और केवल टीजीटी पीजीटी में नहीं, यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछा जाता है। हायर एजुकेशन का या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो आप जब अपना अध्ययन कर रहे हो तो मूल रूप से इसको पढ़ें। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बाह्योद्यान स्थित हरशिरश् चंद्रिका धौत हर्म्या ये कस्याः नगर्याः विशेषणं वर्तते अस्मिन्। ये बाह्योद्यान शिरहरश्चंद्रिका धौत हर्म्या किस नगरी का विशेषण जो है ये बन रहा है? अनिष्ता चौहान जी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास की फ़ीस क्या है। हमारा जो पेड बैच चल रहा है अभी आपको उसका विस्तार से हम लोग बता देंगे। उसको 1800 रुपये में DSSSB वाला पेड बैच अभी चल रहा है 5 जुलाई से, जिस यूपी टीजीटी पीजीटी का है। तो ये 1800 रुपये में हम लोग इसको शुल्क इसका है। किसका उत्तर आता है सबसे पहले? तीसरे का बी कह रहे हैं उज्जैनी। और किसका उत्तर आता है? नीतिका जी कह रही हैं उज्जैनी। रीना कुमारी जी कह रही हैं 3B, ये भी उज्जैनी कह रही हैं। संदीप कुमार जी उज्जैनी कह रहे हैं। और आप लोगों के उत्तर देखें, एक बार शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक, जल्दी से शीघ्रता से एक बार शेयर कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। शेयर कर दीजिएगा कृपया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। संख्या हमारी बड़ी कम हो रही है आज, तो ये कक्षा ना होने के कारण भी है। कल कक्षा नहीं हो पाई थी, स्वास्थ्य कारणों से कक्षा नहीं हो पाई थी। सी अलका कह रहे हैं अनिष्ता जी कह रहे हैं अलका। रीना कुमारी जी अलका कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। अलका के विषय में है कि अलका मेघ जब पहुँच जाता है तो वहाँ कह रहे हैं कि कैसे पहचानोगे तुम, तो वहाँ कैलाश की उपत्यका में तलहटी में बाह्योद्यान स्थित हरशिरश् चंद्रिका धौत हर्म्या। हर के सिर पर, शिव के सिर पर, चंद्रिका जो है वो उस चंद्रिका से धौत हर्म्या, जिसकी हर हवेलियाँ जो हैं, ऊंची भवन जो हैं वो धौत धुले हुए से दिखते हैं, शुभ्र वर्ण के दिखते हैं। और बाह्योद्यान स्थित, ये जो चंद्रिका है, शिव के सिर पर जो चंद्रिका है वो बाह्योद्यान में स्थित है। और ये कौन सा उद्यान था बाहर? वैभ्राज। वैभ्राज के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो वैभ्राज उद्यान है, उसमें शिव जी के सिर पर ये चंद्रिका है। अलका नगरी का ये वर्णन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने रहा, मेघदूते वीचि क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणा का। वीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणा, ये किसके विषय में वर्णन आ रहा है? आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। और मेघ की प्रेयसी भी इसको बताया गया है यहाँ पर कि तुम वहाँ जाओगे तो एक नदी के विषय में ये वर्णन आता है। तो ये नदी जो है तुम्हारी प्रेयसी है, जो तुम्हें मानो अपनी नाभि दिखा करके तुम्हें आकर्षित करना चाहती हो। जो जैसे प्रेयसी अपने प्रियतम को नाभि के आवर्त दिखाती है, अपनी कमर दिखाती है जिसके चारों ओर करधनी है, तो ये पूरा का पूरा वर्णन यहाँ पर आता है। 4C कह रहे हैं कविता जी, सी उत्तर हुआ आपका शिप्रा। और लोगों का उत्तर अभी नहीं आया है, शीघ्रता से उत्तर दे दीजिए। और ये जो वर्णन है ये आता है जी डी, निर्विंध्या कह रही हैं सुजाता जी, बिल्कुल सही उत्तर है जी, निर्विंध्या के विषय में है ये वर्णन। निर्विंध्या नदी के पास जब तुम जाओगे तो वो मानो उसके जो लहरें हैं, लहरों से जो आवर्त बन रहे होंगे, मानो वो अपनी नाभि के आवर्त दिखा के तुम्हें अपने इसकी जो सूक्ति है वो स्त्रीणामाद्यम प्रिय वचनम विभ्रमो ही प्रियेशु, ये वाली सूक्ति है इसकी। और यह नदी का, निर्विंध्या का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। पांचवा प्रश्न आपके सामने रहा, यांचा याच्या याच्या मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा, बहुत प्रसिद्ध है और इसका अर्थ सबको पता होगा। तो यहाँ अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति, अधिगुणे जो पद है वो किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2012 में आया है और टीजीटी में 2001 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डी उत्तर सही है बिल्कुल सबका जी। 5 का डी कह रहे हैं मेघ, सबसे पहले उत्तर सुजाता जी कह रही हैं, अधिगुणे। और लोगों के उत्तर देख लेते हैं तब तक। तो ये जो है उद्भाव यह है कि जो याचियाँ हैं, आपकी जो प्रार्थना है वो अधिगुणे मोघा वरम, अधिगुणे जो उच्च कुल वाला व्यक्ति है, अधिक गुण वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा मना कर दिए जाने पर भी, अस्वीकार किए कर दिए जाने पर भी वरम श्रेष्ठ है। परंतु जो अधम व्यक्ति है उसमें की गई प्रार्थना लब्ध कामा होने पर भी, आपके वो कामना प्रार्थना सफल होने पर भी, उसके द्वारा स्वीकार किए जाने पर भी नहीं श्रेष्ठ है वो। तो इसका उत्तर जो है वो मेघ ही है, बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। ये मेघ के विषय में कह रहे हैं यहाँ पर। और डी उत्तर देने वालों में पहला नाम है सुजाता जी, नीतिका जी, अभिमन्यु जी, संदीप जी, बिल्कुल ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, चैतली बनर्जी, चलिए आप लोग हमारे प्रतिदिन के कक्षा के पाठक हैं। अंजू कुमारी जी, रीना कुमारी जी, आगे बढ़ते हैं। संख्या एक बार बढ़ा देंगे हम लोग तो थोड़ा सा आनंद आएगा, क्योंकि अगर थोड़े से लोगों में दौड़ लगाई जाए तो जीतना तो निश्चित हो जाता है, पर जो और लोग हैं साथ में जब दौड़ रहे हों तो उसके बाद जब जीता जाता है उसका आनंद अलग होता है। एक बार आप जो शेयर कर देंगे सेशन को अन्य लोगों तक भी। आगे बढ़ते हैं हम तब तक। 6ठा प्रश्न आपके सामने रहा, लघुत्रयी इति संज्ञया प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कविर वर्तते। लघुत्रयी जो है वो उसके प्रणेता कौन है? लघुत्रयी में जो काव्य पढ़े जाते हैं वो काव्य किसके हैं? उत्तर भी आ गया है और कालिदास का है, बिल्कुल सबका उत्तर ठीक आ जाएगा इसमें। तो चलिए इसमें मैं प्रश्न आपसे भी पूछ लेता हूँ कि लघुत्रयी में कौन कौन, लघुत्रयी में जो काव्य हैं वो कौन कौन से काव्य हैं? शीघ्रता से बात यहाँ ये तो आ जाती है कि लघुत्रयी जो है वो कालिदास के ग्रंथों से है, पर कौन बताएगा कि सबसे पहले किसका उत्तर आएगा? लघुत्रयी में कौन कौन से काव्य पढ़े जाते हैं, कौन से काव्यों की त्रयी को लघुत्रयी कहा जाता है? रुक जाते हैं थोड़ी देर, आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। राधा आर्या जी डी कह रही हैं, डी तो दिख रहा है, वो गलती से हो गया है। पर बात ये है कि कौन कौन से काव्य जो हैं वो गिने जाते हैं लघुत्रयी में। एक मेघदूत है, एक एक करके ही उत्तर दे दें, अब तक किसी का उत्तर मुझे दिखाई नहीं दी गया। हाँ दिख रहा है अंजू जी, मुझे पता है, वो देख लिया मैंने। तो अभी बात ये नहीं है, बात ये है कि लघुत्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं। मेघदूत है एक, बाकी 2 काव्यों के नाम बताओ। रघु, मेघ, कुमार संभव, गौरी राठौर जी, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभिज्ञान नहीं है सौरभ जी। रघु, मेघ और कुमार संभव बिल्कुल ठीक है। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव जो है ये 3 काव्य हैं और जो टीजीटी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। मैं आपको जो लोग पूछ रहे थे, अभी हमारा जो बैच है DSSSB का और इसी के साथ जो है UP TET PGT का बैच है, ये 1800 रुपये में है। 2 घंटे की हमारी प्रतिदिन कक्षा है इसमें, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे बैच चल रहे हैं DSSSB को लेकर के, सेक्शन ए को। जो लोग अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेक्शन ए में दिक्कत है, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैच है। और DSSSB का ही नेचुरल साइंस का बैच भी हमारे यहाँ से चलाया जा रहा है। आप महापैक ले सकते हैं 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो ये आपको बहुत कम मूल्य पर मिल जाता है। Y321 कोड लगाते हैं तो 77% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसी के साथ TGT मैथ्स का भी बैच चल रहा है। कोई अगर आपके मित्र हैं, लेना चाहते हैं, तो Y321 कोड लगा करके आप इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने रहा, आशा बंधः कुसुम सदृशः प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रणयोगे रुणद्धि। अत्र को अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? UGC जून 3rd पेपर 2013 में जो है 3rd पेपर में आया हुआ है और TGT की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? आशा बंधः कुसुम सदृशः प्रायशो ह्यंगनानाम। डी कह रहे हैं अर्थांतरान्यास, गौरी राठौर जी। और उत्तर देख लेते हैं। ए कह रहे हैं जी उपमा। उपमा तो यहाँ जो है वो किसी की दिख नहीं रही है जी। आशा बंधः कुसुम सदृशः प्रायशो, कुसुम के समान है यहाँ, ये ठीक है, यहाँ इसके समान कह रहे हैं, लेकिन मुख्य जो अलंकार आएगा यहाँ पर वो अर्थांतरान्यास अलंकार होगा। अर्थांतरान्यास अलंकार होता है जहाँ कोई एक बात कह करके और उसकी फिर किसी अन्य अर्थ से समर्थन किया जाता है। सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन जहाँ किया जाता है वहाँ अर्थांतरान्यास अलंकार होता है। तो 7 का डी उत्तर आपका जो है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 8वां प्रश्न है आपके सामने, कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? ये प्रश्न जो है, कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन हैं? आ कैलासाद पंक्ति अगर आपको याद होगी तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शीघ्रता से उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, समय अधिक हो गया है, प्रश्न हमारे हुए हैं अभी बहुत कम। ए कह रहे हैं राजहंस। अच्छा, 8 का ए, सबका ए है, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। कर्तुम यच्च प्रभवति मही मुच्छ्रलिंध्राम अवंध्याम तत्श्रुत्वाते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्साह आकैलासाद बिसकिसलय छेद पाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। तो ये जो है यहाँ राजहंस तुम्हारे सहायक होंगे ऐसा कह रहे हैं। पहल पूर्व मेघ का। अच्छा, TGT में एक प्रश्न ये भी आता है, कोई भी पंक्ति दे करके ये पूछ लेते हैं ये पूर्व मेघ में है कि उत्तर मेघ में है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपको ये हो जाता है, मूल पढ़ना। तस्वीर नरवाल जी जो है आपका भी स्वागत है। आज थोड़ा सा बोलने में जीभ की समस्या हो रही है, तो आपको अगर कुछ लड़खड़ाया ऐसा दिखाई दे तो आप इसको क्षमा कीजिएगा, जीभ कटी हुई है आज। 9वां प्रश्न आपके सामने रहा, यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पाः इत्यत्र कस्याः नगर्याः वर्णनमस्ति? यत्र उन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपाः नित्य पुष्याः। ममता जांगिड़ जी आपका भी स्वागत है जी। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, बी गौतम जी को पहली बार देख रहा हूँ। बी गौतम जी आप ए कह रहे हैं, पर प्रश्न की संख्या अवश्य लिखिएगा कौन से प्रश्न का आप जो है वो ए कह रहे हैं। कहाँ है कि जो उन्मत्त भ्रमरों से मुखर जो पादप हैं, कहाँ मिलता है ये वर्णन? 9 का सी कह रही हैं चैतली बनर्जी, अलका नगरी में। और अभिमन्यु जी कह रहे हैं विदिशा नगरी में। आगे बढ़ते हैं, सुजाता जी कह रही हैं अलका नगरी में, लेकिन उत्तर सबका नहीं आया है। आप एक बार शीघ्रता से उत्तर दे दें, हम आगे बढ़ें। और कौन उत्तर आएगा? बी गौतम जी ए कह रहे हैं। लो जी, सबके अलग अलग आ गए हैं। डी उत्तर नहीं आया किसी का, विदशपुर नगर, मतलब डी तो नहीं है। और इसका जो उत्तर है जी वो अलका नगरी के विषय में पूरा वर्णन आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपका, और उत्तर देने वालों में सी पहले सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो चैतली जी का है, सुजाता जी का है, उसके बाद अंशिता जी का है, संगीता यादव जी नमो नमः, कविता मिश्रा जी का भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने रहा, यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? इनमें से कौन सा वृक्ष है यक्ष के घर के सामने? ममता जी कह रही हैं 9B नहीं है जी, सी है, अलका नगरी का ये वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल, अलका नगरी में ये वर्णन आता है। कौन सा वृक्ष है यक्ष के सामने? डी कह रहे हैं मदार, मंदार वृक्ष, मदार, डी बिल्कुल ठीक है जी आप लोगों का उत्तर। और आगे बढ़ते हैं हम, डी कहने वालों मुझे जो पहला नाम दिख रहा है वो है सुजाता चौहान जी का, ठीक है। उसके बाद अभिमन्यु जी, गौरी राठौर जी, राधा आर्या, रेखा सांगवान, संगीता, सबका उत्तर ठीक है भाई, क्या बात है। 11वां प्रश्न आपके सामने रहा, यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? पद्मराग से लिखा हुआ भी है उत्तर आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर, यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? यक्ष जो है जब उत्तर मेघ में अपने घर का वर्णन कर रहा है तो वहां ये श्लोक आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ने से आपको ये पूरा का पूरा वर्णन दिखाई देगा। किसका चित्र अंकित है? 12वां प्रश्न आपके सामने था, सी उत्तर ठीक है जी, 12 का सी कह रही है शंख पद्म का। मैं 11वें की बात कर रहा था, 12वें का सी कह रहे हैं गौरी राठौर जी, राधा आर्या जी, और सबका उत्तर जो है वो ठीक है जी, शंख पद्म का चित्र जो है वह अंकित है। 13वां प्रश्न आपके सामने रहा, कच्चित भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति, यहाँ रसी के पद किसके लिए प्रयुक्त है? यक्षिणी, मयूरी, सारिका, कोकिला, किसके विषय में वर्णन है ये? रसी के पद किसके लिए कहा गया है? ममता जी, बी गौतम जी और संदीप कुमार जी, चैतली बनर्जी। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग उत्तर देने के बाद हमारे इसको सत्र को शेयर कर दीजिए, संख्या हमारी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। सी उत्तर 13वें प्रश्न का उत्तर सबसे पहले किसका आता है देखते हैं। 13 का ये कह रहे हैं यक्षिणी, और सी सुजाता चौहान जी कह रही हैं सारिका, सुजाता जी कह रही हैं, उसके बाद संदीप कुमार जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है, राधा आर्या जी बी 12 का उत्तर दे रही हैं अभी, गौरी राठौर जी का उत्तर ठीक है, सी सारिका के विषय में वर्णन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न, भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति, यहाँ कौन से वाद्य यंत्र का वर्णन जो है वो आ रहा है? भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति, 14वां प्रश्न। 13 का सी उत्तर आ रहा है आप लोगों का, 13 का हो गया है जी, और अभी उत्तर देना है आपको 14वें प्रश्न का, किस वाद्य यंत्र से ये संबद्ध पंक्ति है? 14वें प्रश्न का उत्तर सबसे पहले किसका आता है? गौरी राठौर जी वीणा कह रही हैं, सुजाता जी वीणा कह रही हैं, राधा आर्या जी, सौरभ देव जी, संदीप कुमार जी, चैतली बनर्जी, ठीक है, सबका उत्तर वीणा से जो है इसका संबंध है। 15वां प्रश्न आपके सामने रहा, तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्र गंगा दुकूलाम, किसका वर्णन है यहाँ पर? कौन सी नगरी को जो है वो गंगा की दुकूला से स्रस्त कहा है? 15वां प्रश्न आपके सामने रहा, इस नगरी में इसमें कौन सी नगरी का वर्णन हो रहा है? तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्त गंगा दुकूलाम, 15 का बी कह रही हैं सुजाता जी, तस्वीर जी 13 का उत्तर दे रहे हैं अभी, पर हम 15 पर चल रहे हैं। यक्षिणी को क्या है? अच्छा, नगरी का नहीं, ये पूछ रहे हैं कि किसका वर्णन है इनमें से, नगरी है कुछ लोग कह रहे हैं डी अलका, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं पहले ही उसका बोल रहा था, पर आप लोगों ने यक्षिणी भी उत्तर दे दिया है, गंगा भी दे दिया है, तो ये नीलकंठ माटिया जी हैं, अलका नगरी का ये वर्णन है जी। और मैं तो इसलिए शुरू में नगरी बोल गया था, आपने ध्यान भी नहीं दिया। कई बार जो है वो प्रश्न को देख करके उसके विषय में जो है ऐसे बोल दिया जाता है। अमित किल्ले जी 15 का डी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रालेयाद्रिहि, यहाँ इस पद का क्या अर्थ है? प्रालेयाद्रिहि कौन से पर्वत के विषय में ये वर्णन आ रहा है? प्रालेयाद्रिहि 15 का उत्तर देने वाले आप लोग हो ही गए हैं। 15 का डी उत्तर सबसे पहले मुझे दिया है वो गौरी राठौर जी ने, उसके बाद फिर तस्वीर जी का उत्तर ठीक है, और उसके बाद संदीप जी का उत्तर ठीक है, अंजू जी का ठीक है, अमित किल्ले जी का ठीक है। प्रालेयाद्रिहि किसका वर्णन है यहाँ पर? 16 का ए हुआ कैलाश, और उसके बाद संगीता जी कह रहे हैं डी, गौरी राठौर जी ए कह रहे हैं, चैतली बनर्जी ए कह रहे हैं, संदीप कुमार जी ए कह रहे हैं। हिमालय का वर्णन है जी, कैलाश का वर्णन नहीं है। प्रालेयाद्रेह हिमाद्रेह उपतटम तट समीपे, ये यहाँ पर संजीवनी की पंक्ति है यहाँ पर। और उपतटम को मैंने इसलिए दिया है, यहाँ ये पंक्ति इसलिए दी है कि उपतटम में भी पूछ लेते हैं कि यहाँ कौन सा समास है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से जो है समीप अर्थ में अव्यय भाव समास हो जाता है। प्रालेयाद्रेह हिमाद्रेह हिमालय पर्वत का वर्णन है यहाँ पर। 156 ये श्लोक है, देख लीजिएगा जिनका गलत हो गया है। 17वां श्लोक आपके सामने रहा। मोघी कर तुम चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि, शफर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ है? और बी उत्तर 16 का देने वालों में मुझे जो नाम दिख रहा है वो एक भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। 17वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, और श्लोक भी लिखा है मैंने। गंभीरायाः पयसि सरितश्चेतसी व प्रसन्ने, अंतिम पंक्ति है मोघी कर्तुम चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। शफर शब्द जो है वो 17 का डी कह रही है मछली के लिए गौरी जी, और आप लोगों का उत्तर संदीप कुमार जी भी डी कह रहे हैं, और बिल्कुल सही है जी ये। और शफराणाम मीनानाम, मछलियों के लिए ये कहा गया है कि जब तुम गंभीरा नदी का यहाँ वर्णन है उसमें आप प्रसन्न मुख होकर के वो तुम्हें अपना मुख दिखाई देगा वहां पर, ऐसा कुछ वर्णन है ये। 18वां श्लोक आप 18वां प्रश्न आपके सामने रहा। पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोधाम चंडीश्वरस्य, तो यायास त्रिभुवन गुरो, याया में प्रकृति प्रत्यय क्या है? या विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, इण गतौ धातु है या लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, या धातु लोट मध्यम पुरुष द्विवचन, या लिट उत्तम पुरुष एक वचन। यायाः ये कह रहे हैं विधिलिंग मध्यम पुरुष। 18 का सौरभ देव जी क्या बात है। और गौरी राठौर जी भी ये कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। यहाँ जो है ये विधिलिंग में ये बनता है यायाह त्वम यायाह, तुम वहां पर जाना, ऐसे विधिलिंग लकार का, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विधि जो है जहाँ विधि की जाती है उस अर्थ में लिंग होता है जब यहाँ। 19वां है प्रत्यासन्ने नभसि दयिता, यहाँ नभसी पद का क्या अर्थ है? 19वां प्रश्न आपके सामने रहा। और 18 का ए उत्तर के बाद अंजू माटिया जी का ठीक है, सुजाता जी का गलत हो गया है, कोई बात नहीं है। नभसी पद का क्या अर्थ है यहाँ पर? आषाढ़ मास, श्रावण मास या आकाश या मेघ। नभसी प्रत्यासन्ने, तो यहाँ नभसी का क्या हो जाता है? 19 का बी, सुजाता जी कह रही हैं सी, और यही प्रतीत होता है क्योंकि नभस शब्द जो है वो नभ आकाश के लिए कहा जाता है। ठीक बात है आपके। लेकिन यहाँ इसीलिए पूछा गया है ये प्रश्न, और ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ नभसी पद का क्या अर्थ है 19 का, ये श्रावण मास के लिए ये पद आता है। नभसी श्रावणे, नभः खम श्रावणो नभा इत्यमरः, ये पंक्ति जो है मल्लिनाथ जी ने दी है। प्रत्यासन्ने आषाढ़स्य अनंतरम सन्निकृष्टे, तो आषाढ़ के अंतर श्रावण मास के आ जाने पर ये यहाँ पर भाव जो है वो निकलता है। तो नभसी पद को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो हैं जहाँ आपको सामान्यतः अर्थ कुछ दिखता है लेकिन वहाँ उसका और भी अर्थ संभव है, तो वो ध्यान देने लायक प्रश्न होते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने रहा, मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं। यूजीसी नेट की दृष्टि से प्रश्न है, रामगिरी पर्वत जो है उसको मल्लिनाथ कहाँ मानते हैं। रामगढ़, रामटेक, चित्रकूट या हिमालय पर्वत कहाँ मानते हैं। तस्वीर जी 19 का डी कह रहे हैं। चलिए आप लोग, ज्योति शर्मा जी, चैतली बनर्जी, अंजू कुमारी, अनीता डागर। 20 का सी चित्रकूट आया है उत्तर, सुजाता जी का, फिर चैतली जी का आया है वो भी सी आया है, सौरभ जी का हो गया गलत, रामटेक में नहीं है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ए रामगढ़ नहीं है जी, रामगिरी जो है वो रामगिरे चित्रकूटस्य आश्रमेषु वसतिम चक्रे, ये पहला जो श्लोक है उसके एक एक शब्द को भाष्यकार की दृष्टि से अवश्य देखना चाहिए, चाहे आप टीजीटी की ही परीक्षा क्यों ना दे रहे हो। आपको मैं ये चाहता हूँ, अभी प्रयास करूँगा कि जो भी आपके टीजीटी पीजीटी में ग्रंथ लगे हुए हैं उनके मंगलाचरण के एक एक पद पर, एक एक पंक्ति पर विचार कर, पंक्ति पर नहीं पद पर विचार करते हुए कक्षा लेकर के आई जाए आपके बीच में। देखता हूँ कैसे संभव होता है। कुछ ऐसे विषय जो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं तो उसकी प्रति पंक्ति आपको पता होनी चाहिए। तो चित्रकूट यहाँ पर है। 21वां प्रश्न आपके सामने रहा, राज राज में समास क्या होगा। 20 का उत्तर सी देने वालों में मुझे जो नाम दिख रहा है वो सबसे पहले दिख रहा है सुजाता जी का, फिर चैतली बनर्जी का उत्तर ठीक है, ज्योति शर्मा जी का ठीक है, संगीता जी का ठीक है, अमित किल्ले जी का ठीक है, और गौतम जी। राज राज पूछ रहे हैं, राज राजस्य दध्यौ, किसका डी कह रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष। इसका विग्रह वाक्य लिख बताइए एक बार, जिन लोगों का उत्तर आ गया है कि विग्रह वाक्य क्या बनेगा इसका। षष्ठी तत्पुरुष कह रहे हैं आप लोग। 21वें को 21 का डी उत्तर सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो संदीप कुमार जी का है, और उसके बाद सबका ही डी है, जिसका बी है चैतली जी वो गलत हो गया, कोई बात नहीं। आपसे फिर भी ये प्रश्न है कि इसका विग्रह वाक्य क्या बनेगा। एक बार शेयर कर दीजिएगा, सब लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये आज के जो प्रश्न हैं वो प्राय करके शब्दों को लेकर के हैं। हमने इसकी वीडियो बनाई थी केवल टीजीटी की दृष्टि से, बहुत सरल प्रश्न रखे गए थे। इस बार के प्रश्न जो हैं वो यदि आपका पेपर गूढ़ बनाना चाहता है परीक्षक तो वो शब्दों को पूछ लेता है, ये देखना चाहता है विद्यार्थी ने किस तरह से पढ़ाई की है, तो वो शब्दों पर प्रश्न पूछेगा। समास पूछ लेंगे शब्दों में, राज्यस्य राजा ये कैसे बन जाएगा जी, नहीं सौरभ देव जी ऐसे नहीं बनेगा, मैं इस पर इसीलिए रुका हुआ हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्याम राजा, राजानो यक्षाः, राजा प्रभो नृपे चंद्रे यक्षे क्षत्रिय शक्रयोः इति विश्वः। तो राज्याम राजा, राजाओं का राजा, राजा राज राज कुबेर, तो यहाँ राजा शब्द जो है वो यक्षों के लिए, तो यक्षों का राजा जो है वो कुबेर है। राज राजो धनाधिप इत्यमरः, और यहाँ जो है राजाः सखिभ्यः टच, टच प्रत्यय हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आगे बढ़ते हैं, षष्ठी तत्पुरुष आपको लोगों का ठीक है। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिए, राज्य है राजा, राज्याम राजा, राजा ये ठीक है, राज्य है राजा आपने लिखा है। लेकिन राज्यम राजा यहाँ हैं जो कुबेरों का यक्षों का जो स्वामी है। 22वां है कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, ये किसका विशेषण बना है जी? सरल प्रश्न है आपका, बहुत सबको याद भी होगा। अमृत कुमारी मीना जी राज्य है राजा, ठीक है आप लोगों का। बाकी राज्य से तो राज्य का नहीं, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कह 22 का ये कह रहे हैं सह यक्षः। और चैतली बनर्जी का भी उत्तर ठीक है। सुजाता चौहान जी का उत्तर सबसे पहले आया है। गौरी राठौर जी का, राजकुमारी यादव जी का हो गया है गलत, डी सब नहीं है जी। बी गौतम जी का उत्तर ठीक है, सह यक्षः, वो यक्ष जो है वो अपनी प्रेयसी के वियोग में कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, जो कनक का वलय है, कटक है, उसके हाथ में कड़ा है सोने का, उसके भ्रंश से गिरने से रिक्त हो गया है प्रकोष्ठ, जिसका कलाई जिसकी। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, मघोनः पद जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है और उसमें क्या विभक्ति है? मघोनः, अमित किल्ले जी का उत्तर भी ठीक है और बाकी सबका ठीक है ही। अंजू कुमारी जी 22 का ए कह रही हैं। अभी हम 23वें प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मघोनः बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आपने कई बार देख भी लिया होगा जी। इंद्र के लिए कह रहे हैं तो मघोनः प्रकृति पुरुषम त्वाम जानामि, मैं तुमको इंद्र का प्रधान पुरुष जानता हूँ, और ये जो है इंद्र के लिए है, षष्ठी विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं। 23 का भी उत्तर देने वालों में पहला नाम जो है वो गौरी राठौर जी का है, फिर चैतली जी का भी उत्तर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने रहा। विप्रयोगे रुणद्धि, रुणद्धि पद में धातु है। ज्योति शर्मा जी 23 का बी कह रही हैं, ठीक उत्तर है जी आपका। विप्रयोगे रुणद्धि, यहाँ जो है रुणद्धि में कौन सी धातु है? रुध, रुण, रोध, रुद्रिम, ये रुद्रिम तो क्या बात है, ठीक है बिल्कुल, मघवन शब्द का मघोना बना है। 24 का ए रुध, चैतली जी, गौरी राठौर जी बिल्कुल ठीक है जी आपका। आगे बढ़ जाते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने रहा। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, ये सूक्ति कहाँ है? स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, अभी हमने पूछा था इसकी पहली पंक्ति को देकर के किसके विषय में वर्णन है। 24 का भी उत्तर सबका ठीक होगा ही बिल्कुल। पूर्व मेघ में ये आता है, निर्विंध्या के विषय में वर्णन कर रहे हैं तो मेघ को कह रहे हैं कि निर्विंध्या जो तुम्हारे सामने अपना प्रणय वचन करेगी, तो 25 का ए कह रहे हैं पूर्व मेघ में, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। आगे बढ़ जाते हैं। 129 श्लोक है। 26वां, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी, यहाँ जो है अलंकार है कौन सा? पक्व बिंबाधरोष्ठी पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या दीपक, कौन सा अलंकार है? 26 का उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। 26 का बी उपमा, उपमा कह रहे हैं रीना कुमारी जी, संगीता यादव जी और संदीप कुमार जी। तो पके हुए बिंब फल के समान रक्त अधर ओष्ठ हैं जिसके, तो यहाँ जो है उपमा दे रहे हैं पक्व बिंब के फलों से उसके अधरों को। मुझे अभी 25 दिख रहा है, अंजू जी आप थोड़ा सा आगे करेंगे ना तो वो 26 दिखाई दे जाएगा, या फिर इसको एक बार बंद करके दोबारा खोल लेंगे तो लाइव खुल जाएगा। और बिल्कुल ये उपमा अलंकार है जी, यहाँ पर 26 का भी और 27वें प्रश्न पर है, सृष्टि राज्य व धातु पद से किसका संकेत किया गया है? कौन है जो सृष्टि की सबसे पहली रचना है? ऐसा एक क्वेश्चन पीछे आ रहा है अंजू कुमारी जी के पास, बंद करके दोबारा खोल लीजिएगा। वैसे हमारी तरफ से ठीक चल रहा है। ममता यादव जी बी कह रही हैं पर प्रश्न की संख्या नहीं लिखा है आपने। 27वां पूछा है कि सृष्टि राज्य व धातु का लुप्तोपमा, ये ठीक है गौरी जी, इसका मतलब जो है बढ़िया, वहां जो है वाचक जो उपमा वाचक शब्द है वो लुप्त है, छिपा हुआ है। 27 का ये कह रहे हैं मेघ का, अरे भाई ए उत्तर क्यों आ रहा है भाई? ए उत्तर नहीं आना चाहिए, मेघ का थोड़ा ही वर्णन है यहाँ पर, सी यक्षिणी का वर्णन है। गौरी राठौर जी का उत्तर सही है, उससे पहले बी गौतम जी का भी सही है। यहाँ पर वर्णन जो है वो यक्षिणी का है। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणीम प्रेक्षणीयम दर्श, ऐसे करके जो है या तत्र स्याद युवती विषय सृष्टि राज्य व धातु, तो यक्षिणी का अपना वर्णन कर रहा है। और इतना श्रृंगारिक और इतना रसिक वर्णन ये है, आप पढ़ें तो बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने में। 27 का सी। 28वां प्रश्न है आपका, मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? मेघदूतम में जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्क्रियात्मक या फिर कोई नहीं। अब देखो आपने यदि पहली वीडियो भी देखी होगी और ये आज के कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न मैंने इसमें से हटा दिए थे जो बिल्कुल ही सरल हैं कि कौन सा छंद होता है, मंदाक्रांता छंद है, वो प्रश्न जो बिल्कुल ही सरल हैं सबको पता है, तो वो प्रश्न तो आप जानते ही हैं, कहीं आए भी होंगे नहीं भी आए हैं। तो बाकी जो ऐसे श्लोक हैं जिनसे पदों से प्रश्न बन जाते हैं वो लगभग जो है रखने का प्रयास किया है। तो ये जो है 28 का उत्तर आ गया है आप लोगों का बी, वस्तु निर्देशात्मक। बिल्कुल यहाँ जो है कश्चित कांता विरह गुरुना में वस्तु निर्देश किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, सबका उत्तर है और बी, लेकिन उत्तर तो सबका ठीक है। पहले सबसे किसने दिया है? वो दिया है सुजाता चौहान जी ने, उनके बाद गौरी राठौर जी और अंजू कुमारी जी, तीनों महिलाएं। चौथी महिला, पांचवी भी महिला, संगीता जी का गलत हो गया है, और छठे सातवें नंबर पर जो है वो पुरुष आ रहे हैं, तो यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है। 29वां प्रश्न है, मंदाक्रांता में छंद में क्या होता है? मगण, भगण, नगण, तगण, रगण और दो गुरु। तो आप इसमें से मंदाक्रांता छंद को लक्षण, तो लक्षण लिखना तो खैर कठिन हो जाएगा अभी, संक्षेप में मंदाक्रांताम बोधिरस्य नगैर मोघनौ तौगयुग्मम। बी गौतम जी नहीं सर कह रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं सर कह रहे हैं। और इसका उत्तर जो है वो किसका आएगा? 29वें प्रश्न का ए, ज्योति शर्मा जी कह रहे हैं पुरुष वर्ग था। राज सोनू जी कुछ पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आए, हिस्ट्री से विषय से कुछ पूछ रहे हैं। और ये जो है आपको उत्तर आ गया है सी, मगण, भगण, मोभनौ तौग युग्मंग युग्मंग, दो गुरु, दो तगण, मकार, मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु। तो ये जो है मंदाक्रांताम्बुधिरस नगई आपका उत्तर जो है 29 का सी। उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है वो है सुजाता चौहान जी का। आगे बढ़ते हैं, सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका। यहाँ बलाका जो है वो उसका अर्थ क्या है? सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों का 10 मिनट रह गई हैं और 10 प्रश्न हमारे अभी बचे हुए हैं, वो पूरे करने हैं, पूरे करके ही आगे बढ़ेंगे। शीघ्रता से उत्तर दे दीजिए। 30 का सी बगुलियां कह रहे हैं और सबका ही उत्तर ठीक है, बिल्कुल बगुलियां उत्तर है इसका। 31वां प्रश्न है माँ कौलिनाद असित नयने मय्य विश्वासिनी भूः, तो यहाँ कौलिनाद इति पदस्य कः अर्थः ये प्रश्न मेरे विचार से हम पहले भी एक वीडियो पूछ चुके हैं आपसे, पर बताइए इसका उत्तर जो है माँ कौलिनाद असित नयने, तो यहाँ कौलिनाद इसका क्या पद का अर्थ है। पीजी हिस्ट्री से कंप्लीट हुआ है तो नेट के लिए पेपर 2 में हिस्ट्री का पेपर चूज करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, आपका जो मास्टर्स में सब्जेक्ट है उसी से ही आप नेट देंगे तो वो स्वीकार्य होगा। लोकापवाद के कारण है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। और पंक्ति भी है स्यात् कौलिनम लोकापवादे युद्धे पशु अहि पक्षिणाम, तो लोक के अपवाद के विषय में जो है वो कौलीन पद जो है आता है, ऐसा मल्लिनाथ जी ने अपनी टीका में अमरकोश को लेकर के दिया है। उत्तर देने वालों में सी नाम सबसे पहले है अशोक शर्मा जी का, गीनू कुड़िया जी का, मनीषा जी का, और ये तीनों ही महानुभाव ऐसे हैं जो अब तक नहीं थे, सबसे ऊपर बन गए आते ही, क्या बात है। 32वां प्रश्न है आपके सामने आ कैलासाद मेघस्य सहायाः के, ये प्रश्न दोबारा जरूर आ गया है। कौन है आ कैलासाद मेघस्य सहायाः, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो राजहंसा आ कैलासात् विसरि किसलय छेद पाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः, उत्तर आपका ठीक आ ही जाएगा क्योंकि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, ध्यान नहीं दिया गया। 33वां प्रश्न है कि यक्ष अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है। यक्ष के भवन, कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है। राज सोनू जी कह रहे हैं कि पेपर 2 पढ़ाना चाहिए, मतलब नहीं समझ में आया। हमारा विषय संस्कृत है जी, हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत ही पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं है हमारा विषय। 33 का उत्तर आया है, सबसे पहले उत्तर है मनीषा जी का, वो सी कह रही हैं, सी उत्तर। चैतली जी सी कह रही हैं, राजवर्धन जी सी कह रही हैं, सौरभ जी ए कह रहे हैं पूर्व, गौरी राठौर जी सी उत्तर, और उत्तर का उत्तर उत्तर ही है जी। उत्तर जो है उत्तर दिशा में कुबेर के वो अलका नगरी में यक्ष का आवास है। आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ किससे बना है, पद्मराग मणि से बना है, उत्तर लिखा हुआ आ गया है। किसी किसी प्रश्न में ये ध्यान नहीं दिया गया है। तो यक्ष के आवास के सामने जो पहाड़ है वो पद्मराग मणि से बना हुआ है। आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न है कच्चित भरतो स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रिये, ये भी दोबारा पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। 36वें प्रश्न पर सारिका के विषय में जो है रसिका पद आया है। मास्म भूर विक्लवास्ताह में मास्म पद में लकार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा इसका के मास्म भूह, यहाँ मास्म इस पद में कौन सा लकार है। छत्तीसवां प्रश्न है जी, वो ठीक है बिल्कुल, वो 2 प्रश्न जो हैं वो आज हमारे रिपीट हो गए हैं। गीनू खुड़िया जी सी कह रही हैं। 36वें प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं। 36वें प्रश्न का बी कह रही हैं गौरी राठौर जी लुंग, और 36 का बी, और सबका उत्तर जो है वो आ जाता है बी, लुंग लकार ही है जी, लेकिन जिसका उत्तर गलत आया है वो ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है पुण्यम यायास, ये फिर से रिपीट हो गया, ये पता नहीं आज कैसे हो रहा है, ध्यान नहीं दिया गया। तो यायाह पद में पूछा था हमने, तो या विधिलिंग लकार है। 38वां प्रश्न आपके सामने है दर्शितावर्तनाभेः पद में विभक्ति है, ये पूछा गया है जी टीजीटी में, DSSSB में। दर्शितावर्तनाभेः मांग योगी सूत्र द्वारा लुम होता है जी, बिल्कुल। और इसलिए वर्णन जो है ये दर्शितावर्तनाभे, एक ही श्लोक से तीन प्रश्न बन गए हैं ये वाले। 37वें प्रश्न की बात नहीं, 38वें प्रश्न का उत्तर कौन देगा? डी कह रहे हैं चतुर्थी। अरे कोई बात नहीं, और उत्तर डी सौरभ देव जी कहने बी षष्ठी, बिल्कुल जो है नाभि, षष्ठी विभक्ति बनेगा जी इसका उत्तर। षष्ठी विभक्ति में नाभि शब्द का जो रूप बनेगा वो षष्ठी में बनेगा नाभे। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति कृपणा में समास है, कौन सा समास है जी? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु आपने पढ़ा है, तो प्रकृति कृपणा में कौन सा समास है? अब मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जो नेट का पाठ्यक्रम है उसमें मेघदूत वैसे लिखा नहीं मिलता है कि मेघदूत भी है, लेकिन मेघदूत से प्रश्न आते हैं, क्योंकि खंड काव्य महाकाव्य ये संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न बनते हैं, तो सामान्य परिचय उसका जाना जाता है, तो फिर भी इसलिए मेघदूत से प्रश्न बन जाते हैं। 39 का ए तृतीय तत्पुरुष बिल्कुल ठीक उत्तर है, और ए उत्तर देने वालों में 39 का मुझे दिख रहा है सौरभ जी, उसके बाद अशोक शर्मा जी, राजवर्धन जी, बी गौतम जी, मनीषा वर्मा जी, ठीक है सबका उत्तर बिल्कुल, और तृतीय तत्पुरुष है। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर, अस्तंगमित महिमा, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महत शब्द से इमलिश प्रत्यय हुआ है, महत से अण हुआ है, महा से इतच या महिम से आ, क्या है, कैसे बनेगा ये, कौन इसका उत्तर देगा? शीघ्रता से, समय होने वाला है हमारा। आप किसी विषय पर पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय जिसको लेकर के आया जाए, तो वो आप हमें बता सकते हैं। 40 का ए महत से इमनीच हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी आप सब लोगों का उत्तर। और हमारा DSSSB का बैच चल रहा है जो 5 जुलाई से, उसमें आप लोग अगर अभी भी चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। विशेष तैयारी जो है वो भी TGT का पेपर होना है 17/7 को, 7 या 8 को TGT का पेपर होना है, उससे पहले पहले हम लोग 1 तारीख तक पाठ्यक्रम पूरा कर देंगे। और जो 17 को होना है PGT का, हम उसका पेपर उसका 11 तक पाठ्यक्रम पूरा कर देंगे। आगे जो DSSSB का बचेगा वो आगे का पेपर अभी नहीं है, तो वो 17-18 तक वो भी पूरा हो जाएगा हमारा। आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और ये बैच आपके लिए लाभकारी हो सकता है निस्संदेह। तो आज के लिए हमारा इतना ही, आपसे फिर नए विषय को लेकर के कल हम लोग मिलेंगे यहीं पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए उत्तर रामचरितम कराइए। उत्तर रामचरितम जो है वो करा चुके हैं जी, व्याकरण को लेकर के ही आने वाले हैं हम, आने वाले अगली कुछ समय में। अभी पहले वेद से प्रश्न, चलिए ठीक है, व्याकरण पर विचार कर लेंगे हम लोग। संगीता जी कह रहे हैं ऐप पर डाउनलोड किए हुए वीडियो नहीं चल रहे हैं आप जो है, चलिए आपसे टीम से बात करने को करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।